देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का, चलिए रुक करेंगे 4 बड़ी खबरों की ओर। और आज उन 4 बड़ी खबरों पर हम बड़ी बात करेंगे जो आज लगातार सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम रहने वाले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पहली बार मथुरा जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ जोर शोर से चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी राज में लगातार एक्शन का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही तमाम दलों का मंथन जारी है, रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, तो इसी बीच एक नई पार्टी की भी एंट्री यूपी में हो चुकी है। और ये यूपी में जो नई पार्टी की एंट्री हुई है ये पूर्व डीजीपी की पार्टी है। अब 4 बड़ी खबरों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही शुरुआत करेंगे पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को रज उत्सव में शामिल होने मथुरा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा का उनका ये चौथा दौरा है। उस दौरे की खासियत यह है कि वो पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन को पहुंचेंगे। यही नहीं, वही पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच पीएम का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि पीएम भले ही इस मुद्दे पर कुछ ना बोले, लेकिन उनके जन्म स्थान पहुंचने से ही जन्म स्थान और ईदगाह के बीच चल रहे विवाद की आग अब तपिश जरूर बढ़ती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम का ये दौरा लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदुवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का संदेश भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पहली बार मथुरा 25 मई 2015 को वो पहुंचे थे। तब वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव नगला चंद्रभान के दीनदयाल धाम में अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दौरान पीएम मोदी ने धर्मनगरी में किसी मंदिर में दर्शन नहीं किए थे। वहीं अब चौथे दौरे में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन प्रस्तावित और देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी यूपी की सियासत का पार कितने हाई होने वाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए लगातार इस वक्त जो सियासत है वो धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द तो घूम ही रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर होकर राम मंदिर निर्माण को एक अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, इसी बीच बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा पहुंचेंगे और पहली ऐसी तस्वीर कल के दिन से सामने आएगी जब बतौर प्रधानमंत्री कोई भी पीएम मथुरा की ओर शिरकत करेगा, मथुरा पहुंचेगा। इस दौरे के जरिए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है 24 के चुनाव से पहले? प्रवीण, देखिए बहुत ही अहम बात है प्रधानमंत्री का मथुरा पहुंचना, और कहीं ना कहीं लोकसभा को लेकर जो सरगर्मियां इस समय तेज चल रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको काफी अहम माना जा रहा है। कहीं ना कहीं मथुरा में पहला दौरा नहीं, उससे पहले ही प्रधानमंत्री वहां दौरा कर चुके हैं। लेकिन बात कही जाए कृष्ण जन्म स्थान की, जहां पर कृष्ण जन्म स्थान है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी उत्साह है लोगों के अंदर में वहां पर। और सबसे अहम बात बात करें तो वहां पर जो शाही ईदगाह है जिसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना, वहां पर दौरा उनका होना, ये कहीं ना कहीं बड़ा अहम माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राम जन्म भूमि पर जो निर्माण चल रहा है उसको लेकर लगातार विपक्ष कई तीखे सवाल भी कर रहा है, कई तीखे टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच प्रधानमंत्री का मथुरा पहुंचना और वो भी कृष्ण जन्म स्थल पर पहुंचना, ये कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है। रही बात जो लोकसभा चुनाव की, तो उसको लेकर खासा अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार अन्य राज्यों में भी जाकर रैलियां भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो काफी अहम मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो जीतने की संभावना जो होती है खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट ही तय करती है कि आखिर प्रधानमंत्री का ताज किसके सर पर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बतौर पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचेंगे, इसके जरिए लगातार एक हिंदूवादी संदेश देने का तो प्रयास किया ही जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से संगम नगरी, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या का जीर्णोद्धार किया गया, जिस तरीके से एक विकास की तस्वीर देखने को मिली है, क्या इस बार श्री कृष्ण जन्म स्थान जो है ये सियासत का बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 में, क्या लगता है? देखिए आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एक गीत था जो आपने सुना भी था कि हम राम को लाए हैं,
राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद मथुरा को भी सजाएंगे, इस तरीके का गीत जो था वो साफ तौर पर हम लोगों ने सभी ने सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो राम मंदिर का निर्माण जहां तक पूरा हो रहा है, तो उसके बाद अब मथुरा की बारी कहीं ना कहीं सामने देखने को मिली। तो आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा के दौरे कर चुके हैं, खुद मथुरा और जो तीर्थ स्थल है खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है उनको काफी अहम प्रामाणिक दी जा रही है, उनको काफी अहम माना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जो पीएम प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और हिंदू जो वोटर है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर, उनके दौरे को लेकर अब कहीं ना कहीं सामने फ्रंट में आएगा और उसके बाद जो तीखे सवाल है जो विपक्ष की तरफ से वो कहे जाएंगे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री। हालांकि ऐसा नहीं है, काशी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मसला लगातार विवादों में रहा है, तमाम तरीके की उस पर दलीलें दी जा रही है, कोर्ट तक अब ये मसला पहुंच चुका है, उस पर सुनवाइयों का दौर जारी है। इसी बीच जिस तरीके से मथुरा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्या ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थली विवाद भी एक बार फिर से तूल पकड़ेगा? देखिए काफी अहम सवाल है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो विवाद चल रहा है शाही ईदगाह का वो भी बहुत ही अहम माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो एक अपना दौरा है वो अपना पर्सनल दौरा कह सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि ईदगाह को लेकर या किसी तरीके से ऐसा कुछ मामला नहीं नजर आएगा। लेकिन लो विपक्ष जो है अब लगातार इस तरीके की टिप्पणियां जरूर करेगा कि प्रधानमंत्री आखिर मंदिर पहुंच रहे हैं तो उसके बगल में ही ईदगाह है, आखिर वहां भी उनका दौरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू देवी देवताओं को अब जो उनके मंदिर पहुंचना जो दौर है वो पहले भी जारी था, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई बार देखा गया है कि कई धर्मस्थल पर पहुंचे हैं, अचानक दौरा उनका रहा है, चाहे किसी भी मंदिर की बात की जाए, किसी भी धर्मस्थल की बात की जाए, वो वहां पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि पहला दौरा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मस्थल पर पहुंचेंगे और किस तरीके की वहां पर जो सौगात है वो देंगे वहां के लोगों को, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचेंगे तो उनके साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे? देखिए जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद वहां पर रहेंगे ही, साथ में हो सकता है कि जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल शायद वो भी मौके पर रहे और वहां पर जो मंत्री हैं मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहां पर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा जब भी देखा गया है जिस तरीके से धर्मस्थल है और जिस तरीके रामकृष्ण जन्मभूमि जो धर्मस्थल है वहां पर भी खासतौर पर सिक्योरिटी पहले से ही रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम हो जाता है जब सिक्योरिटी के मामले में पहले से ही आज ही सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, निरीक्षण कर लिए गए हैं, सारे जायजा ले लिया गया है वहां पर हर तरीके के सिक्योरिटी का, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के किसी भी उसमें चूक ना हो पाई। इससे पहले भी हमने एक देखा था कि एक महिला जो थी अचानक उनके कॉन्वॉय के सामने आ गई थी तो वो सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई थी, तो उससे सबक लेते हुए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो काफी अलर्ट हैं क्योंकि भीड़ मंदिर में रहती है, वहां पर दर्शक आते हैं, वहां पर जो मंदिर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटका दी है। सीएम योगी ने एक बार फिर राजस्व वादों में निस्तारण में लेट लतीफी, लापरवाही, गड़बड़ी बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के 7 मंडलायुक्त और 7 डीएम से जवाब तलब किया था। वहीं माना जा रहा है कि सीएम को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रशासनिक स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस प्रकार के एक्शन ने प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर कई प्रकार के कयासों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार फील्ड से हटाकर सचिवालय में बैठा सकती है। वहीं इस खबरों से अधिकारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है।
तो गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तो सक्रिय ही हैं, वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। गौरव, जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से और तमाम यहाँ पर समीक्षा बैठक के माध्यम से समीक्षा करते करते रहते हैं। और यहाँ पर साथ साथ उन्होंने कई बार बड़े एक्शन भी लिए हुए हैं। यहाँ पर बड़े एक्शन के तहत उन्होंने 7 मंडलायुक्त और 7 जिलाधिकारी को यहाँ पर जवाब तलब किया, नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो राजस्व वादों का निस्तारण होता है उसमें आपकी गति इतनी स्लो क्यों है, इतनी कम क्यों है। क्योंकि लगातार हमने देखा है, जब देवरिया में घटना हुई थी उसके बाद भी कहा गया था कि राजस्व का मामला था, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई निस्तारण नहीं हो रहा था। उसके बाद वहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और वो लगातार चर्चाओं बना हुआ था, जमकर उस पर राजनीति हुई थी। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व जो विवाद है उसके निस्तारण को लेकर सक्रिय है। 2 महीने का अभियान भी चलाया गया था, उसके तहत कहा गया था कि जो मंडलायुक्त या जो जिलाधिकारी वो अपने अपने जगहों पर जो राजस्व वादें हैं, जो राजस्व के बाद है उनका निस्तारण कराएं। पर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 मंडलायुक्त अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्कान वाराणसी की बात करें, सहारनपुर की बात करें, चित्रकूट मंडल की बात करें, बस्ती की बात करें, इसके अलावा अलीगढ़ मंडल की बात करें, तमें लगातार 7 मंडलायुक्त को उन्होंने नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है कि इस तरह की निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माकपर, शामली और मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, ललितपुर, अमरोहा के लगभग 7 जिलाधिकारियों को भी नोटिस यहाँ जारी किया गया है। उनसे भी यहाँ जवाब तलब किया गया है कि आपके वादों को निस्तारण में इतना समय क्यों लगा रहा है, उसमें इतना समय क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार गौरव लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए लगातार समाधान दिवस आयोजित किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जमीन से जुड़े मामले हैं ये अभी भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हैं। ऐसे में आपने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंडलायुक्त और 7 जिलाधिकारियों को जवाब तलब किया है। कितने दिनों का समय इन सभी अधिकारियों को दिया गया है कि वो एक जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश करें? मुस्कान, अभी फिलहाल अगर जवाब का समय माने तो 15 दिन का समय इन लोगों को दिया गया है कि 15 दिन में अपने अपनी यहाँ पर जानकारी भेजें कि यहाँ पर इतनी प्रक्रिया धीमी क्यों चल रही है, जब यहाँ पर 2 महीने का समय पहले दिया जा